हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आज का विषय मैं लेकर आया हूँ आपका प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं 2021-22 क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश के संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक सेंड एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब हम देखते हैं, यहाँ पर आपका सेक्शन ए में रेटिंग स्केल में दिया गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज एम क्वेश्चन गिवन बेलो। तो यहाँ पर लॉन्ग एगो एन यहाँ पर आपका पैसेज दिया है, इसको पैसेज को आपको पढ़ना है। सीधा मैं आपको आंसर आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं इन पर सीधे सीधे मैंने टिक लगा दिए हैं, जैसे पहले वाले का ए ऑप्शन सही रहेगा और दूसरे वाले का सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। और यहाँ पर अगला हम देखते हैं थर्ड वाले की बात करते हैं, तो थर्ड वाले में सी ऑप्शन जो जो मैंने रेड इस पर अंडरलाइन किए हैं वो सारे के सारे आपके क्वेश्चन रहेंगे। व्हाट डिड द पीपल हु वेंट टू द ब्रिंग पिक्चर्स गेट, तो इसका ए आपका ऑप्शन नंबर सी हाफ फुल ऑफ वाटर रहेगा। फिर यहाँ पर पांचवे वाले का ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसमें भी आपको पैराग्राफ पढ़ना है और पैराग्राफ सारे पैराग्राफ के आपको आंसर देने हैं। तो इसके क्वेश्चन में आपको फटाफट टिकली आंसर लगा देता हूँ, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम का जो पेपर चल रहे हैं मैंने पहले वाले पेपर को भी कुछ डाल दिए हैं, जो कि अब आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कक्षा 10वीं के सारे बच्चे वो पेपर देख सकते हैं और उनका संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। अब क्वेश्चन नंबर पहला इसमें रीडिंग स्केल में दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर पहले का ए वाला ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का इसका ए वाला ऑप्शन कुकिंग वाला सही रहेगा। इसमें थर्ड वाला, फिर इसके बाद फोर्थ की बात करते हैं, तो फोर्थ वाले में बी वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम फोर्थ फिफ्थ वाले की तरफ, तो फिफ्थ नाउन इसमें आपका डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। मैंने हर क्वेश्चन के नीचे रेड लाइन कर दी गई है, वो रेड लाइन आपको आसानी से देख सकते हैं। अब सेक्शन बी राइटिंग स्केल को पढ़ें, इसमें आपको रीड द पैसेज पढ़ना है और आल्सो सबटाइटल और इसका नोट्स आपको नोट्स समरी बना के बताना है। अब आगे बढ़ते हैं चौथे वाले का, यू आर द ड्रॉप्स शर्मा अनुरूप शर्मा गवर्नमेंट हाई स्कूल रीवा राइट एन एप्लीकेशन यू आर प्रिंसिपल फॉर यूर स्कूल रिक्वेस्टिंग इशू द ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, यानी कि जिसको आप शॉर्टकट में टीसी बोलते हैं वाली आपकी ये एप्लीकेशन है, आपको लिखनी है उसके और में लेटर दिया है। राइट है ना, इसे मतलब एक निबंध लिखना है आपको, इसमें आपको माय हॉबी या वंडर ऑफ साइंस या इंपॉर्टेंट गेम्स तो आपको जो आता है वो आप निबंध लिख सकते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर हम देखते हैं छठे वाले क्वेश्चन में एक पिक्चर दी गई है, पिक्चर के माध्यम से आपको इसमें 15 वर्ड की जो स्टोरी बनानी है वो स्टोरी हमने आपको यहाँ पर लिख दी है, आप चाहें तो वो भी स्टोरी आप आसानी से लिख सकते हैं। अब ग्रामर की बात करते हैं, तो ग्रामर में सेक्शन सी की बात करते हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स चूसिंग द अल्टरनेट आर्टिकल्स, यहाँ पर देखते हैं ही इज़ खालिस्तान ओवर लेट, तो इसमें आएगा एन, क्योंकि एच से स्टार्ट हो रहा है लेकिन उसका हिंदी उच्चारण एन हो रहा है, तो इसमें आपका ए एन ऑप्शन सही रहेगा। इज़ द अंकल डाइड, तो इसका आ जाएगा आपका ऑफ, तो इसका खालिस्तान ऑफ सही रहेगा। ही वेंट टू द एन इंजीनियर, तो इसका आएगा बीकम, इसका बीकम सही रहेगा। वी खालिस्तान वार मिस्टेक्स एंड द, तो इसका आपका शुड इसका इसको आपको रिक्त स्थान में भरना है। ही इज़ नॉट गोइंग टू द ऑफ, तो इसका आ जाएगा बिकॉज। अब अगला देखते हैं, देयर इज़ अ नोट खालिस्तान वाटर इन द पूल सम एनी, तो इसमें आ जाएगा आपका एनी, है ना, क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें एनी का प्रयोग करेंगे और ये नेगेटिव वाक्य भी है। अब डू एस डायरेक्टिव इनमें से एनी फाइव करने हैं, ये हमने आपको लिख दिए हैं, ये देखें, रवि इज़ वेरी इंटेलिजेंट ही कैन पास इन एग्ज़ाम एक्सलेंटली। सो डेट का प्रयोग करना है, यहाँ पर वेरी की जगह पर सो लगाएंगे, यहाँ पर मैंने लिख दिया है इंटेलिजेंट, और दोनों सेंटेंस को हम कैसे जोड़ देंगे, डेट से जोड़ देंगे, ही कैन पास, क्यों, क्योंकि ही कैन पास द एग्ज़ाम। अब सेकेंड वाले की बात करते हैं, चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉइस, तो चेंज इन टू वॉइस, वॉइस बनाना है तो टॉइस इसका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को आगे लिख दिया, टॉइस आर ब्रिंग बींग, है ना, क्योंकि ये आपका कंटिन्यूस का वाक्य है, तो बींग का प्रयोग इसमें करेंगे, बींग मेक का मेड इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बाय चिल्ड्रन, ये आपका सही रहेगा, इसके सामने आपको मैंने लिख दिया। अब थर्ड वाला देखते हैं, इफ़ यू रन फास्ट यू कैन कैच द बस, मतलब तेज भागोगे तो बस पकड़ सकते हो, तो इफ़ की जगह पे हमें अनलेस, तो इफ़ की जगह पे अनलेस लगा देंगे, यदि वाक्य नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव, तो यहाँ पर देखते हैं हम दूसरे वाला वाक्य पॉजिटिव है तो उसके साथ कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। अब अगला देखते हैं, ही डिड हिज वर्क वेल चेंज इन टू नेगेटिव, तो ही डिड नॉट डू हिज वर्क, यहाँ पर आपका ऑप्शन सही रहेगा। दे आर सेलिंग देयर हाउस चेंज इन टू नेगेटिव परफेक्ट, अब चेंज इनटू परफेक्ट में करना है इसका, तो परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वहाँ उसमें सेकंड थर्ड फॉर्म लगती है, तो दे हैव
यहाँ पर दे आर की जगह पे है हो जाएगा। इसके सेल का सेल की जो थर्ड फॉर्म होती है वो हो जाएगी सोल्ड, तो यहाँ सोल्ड लिख दी और देयर और हाउस ऐसा हमने लिख दिया। अब देखते हैं सेकंड वाले की बात करते हैं। इसका अगला वाला सीमा इज़ माय सिस्टर सी सिटिंग एट द लास्ट बेंच। इसमें हूँ का प्रयोग करना है तो सीमा के बाद हूँ लगा देना है और बाकी सेंटेंस को आपके सामने लिख दिया ऐसा कैसा आप लिख दें। अब अगले वाले ऑप्शंस की बात करते हैं। इसमें 90 आंसर द एनी सिक्स है तो यहाँ पर पहले का आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, दूसरे का ऑप्शन नंबर बी रहेगा, तीसरे का ऑप्शन नंबर बी रहेगा और चौथे का ऑप्शन नंबर ए रहेगा, पांचवे का ऑप्शन नंबर ए। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, आप पढ़ें और आपकी कॉपी में इन ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप आराम से लिखें और ओपन प्रणाली से आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उस एग्ज़ाम का आप अंक से अच्छे अंक लाएँ, यही हम आपके लिए कामना करते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब छठे वाले की बात करते हैं तो छठे वाले में बी वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। सातवें वाले की बात करते हैं तो सातवें वाले ऑप्शन में आपका अंडर द प्यूपिल ट्री ये वाला सही रहेगा। अब टेंथ वाले क्वेश्चन की बात करते हैं तो टेंथ वाले क्वेश्चन को पढ़ना है, उनके आंसर देने हैं, तो इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा पहले वाले का। अगला देखते हैं सेकेंड वाला, तो सेकेंड वाले में आपका इसी का सेकेंड लिवन हाउस स्टेट, तो इसका आपका सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द एबव पैसेज विद द सिमिलर वर्ड क्लोजली, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। रीड द फॉलोइंग एस्ट्रास पोइट्रीज एंड द गिवन बेलो, तो इसको पढ़ना है और इसके आंसर देने। बाकी वीडियो में मैं आपको सभी तुरंत आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप आपकी कॉपी में इनको नोट कर सकते हैं या वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो पहले वाले का ए वाला ऑप्शन सही रहेगा, दूसरे वाले का बी वाला ऑप्शन, फिर यहाँ पर हम उस क्वेश्चन का थर्ड वाला देखते हैं तो थर्ड वाले का सी ऑप्शन। फिर ग्यारहवें वाले क्वेश्चन की बात करते हैं तो ग्यारहवें वाले क्वेश्चन में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 13 वर्ड्स एनी सिक्स, यहाँ पर छः आपको करने जो कि आपकी सीरीज में दिए गए हैं, आप उनको निकाल कर देख सकते हैं, छः क्वेश्चन आप सॉल्व करें। फिर ट्वेल्थ वाले क्वेश्चन में 13 वर्ड्स में इसमें से एनी थ्री करने हैं, टू करने हैं तीन में से, इनको आप आराम से बना सकते हैं दो दो अंक के। अब चौदह वाले क्वेश्चन में आपके टू क्वेश्चन हैं तो टू थ्री है तो थ्री में से टू करने हैं। यहाँ पर हमने आपको ऑब्जेक्टिवली प्रश्न पैसेज और डूएस डायरेक्ट ये सारे के सारे और एप्लीकेशन के बारे में समझाया है। आपको हमारा वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद साथियों, टाटा बाय बाय, अगले वीडियो में जल्दी हम आपको मिलेंगे।